जी जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू बाय चैनल। कहते सब मुझे श्रिया। सुबह के बज रहे हैं 8, हम लोग निकले हैं घर से सुबह के 5 बजे से हम निकले हैं, जस्ट बिकॉज मेरा शूट था एंड अब भी जाके रैप अप हुआ है। मजा आ गया, लाइक द लोकेशन एंड इट वाज बाय सैंडी एंड बहुत अच्छा काम किया उसने भी, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, अभी तक तो मैंने डाल दी होगी। एंड हे यू गो, ये देखो ये जा रहा है, देखो आवाज आ रही है भाई तीते सी बाय। सो फाइनली इज गोइंग एंड हम भी चलते हैं वापस, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है अपने घर। पसीना कितना आ रहा है रिश, तुमको बहुत गर्मी हो रही है यार, तुम इरिटेटेड तो नहीं हो? मैंने तुम्हें कितनी सुबह सुबह उठा दिया आज। नो महीने में एक बार चलेगा। चलो अब नेक्स्ट मंथ की बारी है तुम्हारे, ठीक है? मतलब महीने में एक बार ऐसी कोई लोकेशन आ जाएंगे जो इतनी दूर होगी, क्योंकि यार हमें आने में भी 1 घंटा लगा, पी कार्ड्स में तो समझो कम से कम हमें लग जाएगा 1.5 से 2 घंटा आने में, बट द लोकेशन वॉज वेरी गुड। अभी चलते हैं यार, बहुत गर्मी है, लेट्स गो। सो हाँ जी, अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 6:50 हो रहे हैं, और आज मैं नहीं, आज रिश बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं रिश? आज हम अपने दोस्तों के एंगेजमेंट में जा रहे हैं, तन्वी और पाशवा। तो हम एज यूजुअल, और अब बेचारे की शादी हो गई है तो मेरी वजह से हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। आई एग्री, बट 2 घंटे तो नहीं हुए, और गाइस कार्ड में टाइम 6:30 लिखा था। और दिखाते हैं आज क्या मस्ती और धमाल होने वाला है। आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी मच एक्साइटेड। यस, लेट्स गो। माय फुल आउटफिट डीट्स यू गाइस। तो अभी अभी जस्ट हम लोग एक न्यू वीडियो फिल्म करके हटे हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस इंसान से मुझे कि वीडियो बना लो। फाइनली यू आर नॉट एक्सक्लूसिव, यू आर अब ऑडियंस मेरी समझ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऑडियंस मेरी समझ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। व्लॉग से पहले तो लाइव हो गई होगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो एंड बताना कि कैसी लगी। एंड फिलहाल तो हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। यार ये इंसान बहुत परेशान करता है, मूवीज उठो चलो मूवी देखने चल रहे हैं, मूवी देखोगी? तो फिर मैं कहती चलो यार चल ही लो, बेचारा काम करता है इतना और फिर रिलैक्सेशन चाहिए ना इंसान को, और देखते हैं मूवी और करते हैं रिलैक्स, मस्त रिलैक्स ही है जिंदगी की। मुझसे ज्यादा टफ जिंदगी कोई नहीं जी रहा है, विदाउट एनी दोस्त सरवाइव कर रही हूँ मैं चेन्नई में गाइस। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने इतने महीनों में कितने महीनों में आउटिंग ना करी हो किसी दोस्त के साथ। इट्स बीन मंथ्स। तो मेरे को हर जगह आउटिंग क्या, हर जगह मैं तो घंटा बोलती हूँ खुद मुझे मूवी देखनी है, मुझे ये करना है, ये पीना है, वो पीना है। बेबी कॉफी पिला दो यार, कॉफी पिला। चलो गाइस बाय, मिलते हैं। चाय पी लेना। चाय यार बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, इसलिए सच में चाय पीने का मन नहीं कर रहा। वहाँ पे कॉफी पी लेना, फिर कोल्ड कॉफी। हाँ मतलब कोल्ड कॉफी या समथिंग। अब मैं मूड पे देखती हूँ क्या पीना है। रुक जाओ। ओके ओके
ये लड़का सिर्फ काले कपड़े पहनता है ऋषभ इधर ना। और एक से एक सेकंड सुनो तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस हॉल में इस टाइम 600 लोग बैठे हैं एंड आई थिंक सबके कच्चे गीले हैं। अच्छा था ना, एंड अब कॉमेडी तो पूरा हो चुका है तो यस चलो चलते हैं घर। हो गई है शाम और कितने बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं और मैं अपना वॉक करने आ चुकी हूँ मस्त शाम को। मतलब मैं रोज ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट ना 10,000 स्टेप्स एवरी डे हम करें। पीछे थोड़ा काम चल रहा है, 10,000 तो नहीं हो पाते, मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ 6-7,000 से और रात तक मतलब 10,000 हो जाते हैं कुछ भी करके। तो मैं ना रीड करने के लिए भी लेके आई हूँ और इतनी गर्मी है तो भाई पानी की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी वेदर देखो यार, आज वेदर तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रखा है भाई, बहुत मस्त वेदर हो रहा है। अभी साथ साथ ना मैंने थोड़ी रीडिंग हैबिट भी लगाई है क्योंकि जैसे कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो वॉक के साथ साथ ना मैं रीड भी करती रहती हूँ ताकि दोनों एक्टिविटीज साथ साथ हो जाए। तो आधा घंटा मैं रीड करती हूँ और साथ में वॉकिंग भी, और उसके एक्स्ट्रा हाफ एन आवर भी मैं वॉक करती हूँ ताकि यस रीड और वॉक कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी ये देखो यार क्रेजी वेदर हो रहा है, क्रेजी है ना। चलो जी हो गई है रात, 11:30 बज रहे हैं, पता नहीं नींद ही नहीं आती जल्दी। इतना ट्राई करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ, जल्दी उठूँ, रूटीन अपना बेटर करूँ, बट पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती। बट अब से आई हैव डिसाइडेड कि सुबह 8 बजे उठने का टारगेट रखेंगे। अभी तो मैं 9:30 बजे उठती हूँ तो 2 घंटे पहले शिफ्ट करना है इसको कुछ भी करके, तो उसके लिए 2 घंटे पहले सोना पड़ेगा। तो आज भी लेट हो गया है सोने में, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अब तो बस यार सोने का रूटीन सही करना है बस, और कुछ नहीं है। अरे ये वॉच भी उतार दूं, मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, बाय, लेट्स गो। हाय गाइस, एंड आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्यों? क्योंकि आज है माँ का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माँ, आज आप एक्साइटेड हो हम क्या करने वाले हैं? वैसे तो आपको पता नहीं है आज हम क्या करने वाले हैं, बट चलते हैं अंदर, आ जाओ। थोड़ा सा तो लेट हो गए हैं हम, खैर वो चीज़ के लिए 6 बजने दो। अभी पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो करते हैं माँ के साथ, जैसे कि शॉपिंग। फेवरेट ब्रांड जाएंगे, आप सबसे ज़्यादा शॉपिंग कहाँ करती हो बताओ? मैं ई एम आई करती हूँ, इसलिए मैं आपको ई ए ही लेके आई हूँ। तो ई एम आई सबसे पहले कहाँ जाना है? वेस्ट साइड। ओके डन, चलो चलते हैं। माँ घुसते ही वेस्ट साइड आ गया, मुझे पता ही नहीं था ये बात। चलो लेकिन ट्विस्ट इतना है कि आपके पास है सिर्फ हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर में आपको जो लेना है वो ले सकते हो। जल्दी पसंद भी नहीं आएगा, ये भी सही है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन 6 बजे हमारा कुछ और शेड्यूल्ड है तो आपको जल्दी शॉपिंग करनी पड़ेगी। यस चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बैग ले लेते हैं जल्दी से। ये रहा हम आपका बैग, लेट्स गो लेट्स डू दिस। पसंद? चलो ऐसा करो आप बैग मुझे दे दो। हाँ बैग मुझे दे दो, नहीं मिल जाएगा। ये कलर भी देखो तो प्यारा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है जी। माँ तो गई हुई है ट्रायल करने, लेट्स सी उनके आउटफिट्स उन्हें पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। माँ ने इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करी, बहुत कम शॉपिंग करी है आपने, बट कोई बात नहीं और दिलवा देंगे जल्दी। बाली जाएंगे, बाली जब बाली, हाँ बाली जब आप जाओगे तब और शॉपिंग करवाएंगे, ठीक है। बट अभी जो ये जो सेकंड जो आपका सरप्राइज है वो इतना स्पेशल पता है क्यों है? क्योंकि आपको कभी भी रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता, तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह जहाँ आपको मिलेगा फुल रिलैक्सेशन। तो चले चलो चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आपके साथ मुझे भी बहाना मिल गया क्योंकि मैं भी करने वाली हूँ रिलैक्स मस्त से। तो चलते हैं ऊपर, हमें जाना है एस्केप साइड। ज्यादा भी चेन्नई के बारे में पता नहीं है, ओह जहाँ जाना है हमें दिख गया गाइस, देखो एयूगो। माँ क्या लग रहा है आपको, क्या है ये स्पा? मैं और माँ कराने वाले हैं स्पा, जिसकी बुकिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा चुकी थी। तो अंदर चलते हैं और 1 घंटे मस्त सेशन लेते हैं, उसके मजे ले देते हैं, ठीक है बढ़िया। चलो लेट्स गो, एंजॉय।
तो यार आ गए हैं स्पा पे और माँ कराने गई है अपना स्पा और मेरा स्पा स्टार्ट होने वाला है अभी 6:30 पे स्टार्ट होगा। तो फॉर नाउ आई एम जस्ट रिलैक्सिंग बाहर आराम से और इसके बाद भी जो हमें करना था पता नहीं हम कर पाएंगे, थर्ड सरप्राइज हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें 7:30 हो जाएंगे यहाँ पे और लेट्स सी बट देंगे ज़रूर एंड आई होप सो उन्हें कुछ तो पसंद आए। तो यस लेट्स जस्ट गेट अ क्विक स्पा सेशन एंड मैं भी बहुत टाइम बात करवा रही हूँ, ट्रस्ट मी बहुत टाइम बात करवा रही हूँ, आई हैव नो आइडिया हाउ मेनी मंथ्स बट यस। तो ये देखो एक छोटी सी चाय डेट, माँ चेयर्स कर लो, चेयर्स, हम चाय के साथ ही चेयर्स करते हैं ज़्यादातर नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है ना, बहुत नॉर्मल सी है। नेक्स्ट आपको चाय गली की पिलाऊंगी तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। भाई साहब ये देख लो कितनी भीड़ है भाई। So yes, this was my week और मैं outro करना भूल गई थी and बहुत ज़्यादा interesting day रहा कल का। We went to Redison Blue वहाँ का कबाब factory हमने try करी, that was also very good। उसके बाद हम लोग late night drive पे गए 2-3 बजे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। It was such a roller coaster kind of a week। एक तो यार गर्मी हर जगह बहुत हो रही है भाई, आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग कहाँ कहाँ से हो। आज का तो फिर भी मुझे यहाँ पे बेटर फील हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी थी आप लोगों से, जितने भी लोग चेन्नई के हो ना, मैं एक मिनी मीट एंड ग्रीट करने वाली हूँ इस संडे या फिर नेक्स्ट संडे। आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम और मेरी स्नैपचैट स्टोरीज, तो वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट करती रहूंगी। तो आज है वेडनेसडे तो या तो मे बी इट्स गोना बी दिस संडे और द नेक्स्ट संडे वी आर गोना हैव अ मिनी मीट एंड ग्रीट इन चेन्नई एंड सिर्फ चेन्नई के लोगों के लिए है। चेन्नई में जितने भी 10-15-20 लोग हैं एंड सब मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। इट्स गोना बी अ मिनी मीट एंड ग्रीट एंड चैट काइंड ऑफ स्टफ एंड मिनी कॉफी डेट विद मी विद श्री एंड यस बहुत मजा आएगा एंड आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करे, बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। वी आर सो क्लोज टू 200K एंड आई एम सो एक्साइटेड। यस टिल देन श्री विल सी यू सुपर सून, बाय। जगी जगी से तेरे बिन सारी है रातें, कहने को कितनी है बातें, जो कहना